ज्यादा प्रभावशाली बनकर आगे बढ़ रहा है और पीछे इसलिए नए सिरे से अभी 3 महीने 4 महीने बाकी है। 3 महीने 4 महीने में हम सबको व्यवहार में जितने भी कार्यकर्ता है उन सब में व्यवहार में कार्यकर्ताओं में मिलजुल कर ही नई बात के बारे में चर्चा करनी है। चर्चा करने के बाद जिम्मेदारी फिक्स करनी है। जिम्मेदारी फिक्स करके कैसे हम कार्य सुविधा है इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। हमें एक चीज याद रखनी है, हाथ का निशान याद रखना है, हाथ का उम्मीदवार याद रखना है, व्यक्ति को नहीं याद रखना, व्यक्ति को आएंगे जाएंगे। लेकिन जिस पद पर हमें उस पद की गरिमा के रूप में हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सजग करने का काम नहीं किया है तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसलिए मैंने अपने जन्म दिवस के आधार पर संबंध में मैंने कहा मैं कार्यकर्ताओं को बीच में जाऊंगा, उनकी शुभकामना भी लूंगा और शुभकामनाओं से ज्यादा जो मेरा 4 साल का अनुभव है, ये 4 साल के अनुभव पे जो कुछ मैं समझ पाया राहुल गांधी जी को, जो कुछ मैं समझ पाया नई कांग्रेस बनने वाले को, जो कुछ मैं समझ पाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नए सिरे से अपनी क्षमताओं का मुख्यमंत्री रहे, या देवपुरा जी मुख्यमंत्री रहे, या शिवसेना जी माननीय मुख्यमंत्री रहे, या प्रभाकर जी रहे, या देवपुरा जी रहे, जितने हमारे नेता रहे, गीता भाई रहे, जिनका नाम लो हम सबने इस व्यवहार में कांग्रेस को मजबूत किया है, नई दिल्ली भी कांग्रेस को मजबूत करके आपको कांग्रेस को जिताकर भेजेगी। ये हम सबका देवी और गदर मंत्र है। मैं आशा करता हूँ आपकी शुभकामनाओं के साथ आप मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरे आशीर्वाद के साथ साथ आप सब संकल्प लेंगे और मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। यही बात मैं आप सबसे कहता हुआ एक बार मैं पुनः व्यक्तिगत तौर पर आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आज आप जिले में मिले, आपके तहसील में आएंगे, आपके बूथ पर आएंगे, बराबर आते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। धन्यवाद।